हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली एचपी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम हुआ है, जिसमें हम मैथ्स पोर्शन सॉल्व करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, इसमें आपने सिंपल वैल्यू निकालनी है कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंट 59 डिग्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशन अगर आपको याद हो तो आपके लिए क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाना चाहिए था, जिसमें आप कॉस से साइन कैसे चेंज कर सकते हैं, टेन से कॉट, कोसेकेंट से सेकंड एंड वाइस वर्सा। दैट मींस यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कोसेकेंट को सेकंड बना सकते हो या फिर सेकंड को कोसेकेंट बना सकते हो। तो अगर हमें यहाँ पे कोसेकेंट 31 डिग्री की जगह 90 माइनस 59 डिग्री लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। अगर आप 90 में से 59 माइनस करते हैं, दैट इज 31, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 50 सेकेंड 59 डिग्री। सो अब यहाँ पे ये वाला अगर आप रिलेशन यूज करते हो तो ये इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड 59 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी था वो करेक्ट होता है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको तो आप देख के ही बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू वन। अगर फिर भी आपको याद नहीं रहती है तो आपको कॉस और साइन की तो याद होगी, तो आप सिंपली इसको सेकेंड को अगर आपको कॉस में चेंज करना हो तो आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसको नॉर्मली एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर थीटा, और इसको डिवाइड कॉस स्क्वेयर थीटा। ऑब्वियसली ये वन के बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू वन, और डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी भी है तो आप वहां से लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। तो इसका सिंपली आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट होना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इन केस आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में भी होता है, थीटा इंटू पाई आर डिवाइडेड बाय 180, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही बातें। यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया हो तो इसका आंसर ये होना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, नॉर्मल आपके पास फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूले है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होना था, और आपके जो मार्क्स है वो कंफर्म थे इस क्वेश्चन के लिए भी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड लाइक 41 39 एंड सो ऑन एज यू सीन। आपने निकालना था इसका मॉड। तो मॉड क्या होता है? ऐसा टर्म जो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा, जितनी ज्यादा टाइम वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल है, अगर आप सभी चेक करने लगो तो टाइम वेस्ट होगा, आपके पास ऑप्शन जो दिए हैं उनको ही चेक करो। 40 40 ओनली वन एंड टू टाइम्स है, ठीक है। 52 कितने टाइम्स है? वन टू एंड थ्री टाइम्स है, और 96 96 एक टाइम है, वन टाइम है ओनली, एंड 98 जो है वो भी वन टाइम है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 52, वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, सविता एंड किरण आर फ्रेंड्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द बर्थडे ऑन सेम बर्थडे इग्नोरिंग लीप ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इन दिस केस जो आपकी पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दैट इज इक्वल टू 365। और आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि दोनों का वर्डे सेम होना चाहिए, दैट मीन्स कोई एक डे पे होगा, दैट इज इक्वल टू 1/365। सिंपल, वेरी सिंपल, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल डे डेज व्हेन सेम वर्डे इज पॉसिबल। तो अगर सेम वर्डे है तो ऑब्वियसली एक ही किसी एक ही पर्टिकुलर डेट पे होगा, दैट इज 1/365 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे अपोजिट पूछा जाता कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पे आपके पास डिफरेंट वर्ड आए, तो सेम की ये है तो डिफरेंट की क्या होगी? 1 माइनस 1 अपॉन 365 दैट इज इक्वल टू 364/365। जब दोनों के वर्ड डिफरेंट डेट पे हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 364/365 डिफरेंट के लिए, ठीक है। और जब सेम होंगे दैट मीन्स 1/365। So next question है, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A block is drawn at a wall is drawn at random from the bag. Then the probability that the wall drawn is not red is.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनानी होगी, यानी कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल आपके पास पॉसिबिलिटी है 3, आपके पास रेड बॉल्स हैं प्लस जो आपकी 5 ब्लैक बॉल्स हैं, दैट मींस टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 8 बॉल्स आने की, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पे रेड बॉल ना आए, तो ऑब्वियसली रेड नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी, फाइव सॉरी ब्लैक आएगी, दैट मींस जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास आ जाएगी 5/8, सिंपल है। प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेसिकली लॉजिक के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे वे में करते, पहले आप निकालते, मान लो आपके पास कोई इवेंट है कि प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल्स आने की, प्लस अगर आप प्रोबेबिलिटी करो कि नॉट रेड, रेड ना आए, तो टोटल कितनी होती है, वो 1 होती है। एज यू नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो ऑब्वियस है जब प्रोबेबिलिटी आर की होगी, इनकी रेड बॉल आने की है प्लस नॉट आर है, दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, दैट इज 3/8 प्लस हमें निकालनी कितनी किसकी है, नॉट रेड की, तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, नॉट रेड इक्वल टू 1 - 3/8 विच इज इक्वल टू 5/8। तो वैसे भी आपका सेम ही आंसर आता और एक विद इन सेकेंड्स आपके पास आंसर आता, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो आपको उसके लिए भी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 1, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, बट नॉट लेस देन 0, नॉट ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में डिफाइन होती है। 0 कंसिडर किया जाता है कि जहाँ पे कोई भी उस काम के होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यानी कि वो इवेंट हो ही नहीं रहा, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 वो इवेंट होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर होता है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि हो रहा है वो, अगर नहीं हो रही है, इम्पॉसिबल इवेंट है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका सिंपल सा आंसर होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। नाउ नेक्स्ट वन इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीडियन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके काफी टेस्ट में पूछा जाता है, ये वाला सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर होना था 3। मीडियन जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एब्रिविएशन दी हुई है मीडियन के लिए, मोड के लिए, वो आपने चेक करनी थी। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमेशा आपने याद रखना है। इसको घुमाए फिरा के पूछा जा सकता है, लाइक मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, बट जैसे आपको ऑप्शंस दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। भी काफी सिंपल है, सिंपल था क्वेश्चन था। इन रियल नंबर सिस्टम पाई इज, आपके पास ऑप्शन थे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली पाई इज अ इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू, ऑब्वियसली किसके बराबर होता है, दो रूट्स का सम, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस केस में कांस्टेंट टर्म आपकी c है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, तो ये इसका आंसर होना था। अगर आपसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा पूछा होता तब आप लिखते माइनस b ओवर a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस आपका बाहर फॉर्मूले में होता ही है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बट फिलहाल आपसे प्रोडक्ट पूछा है तो आपका आंसर होना था c ओवर a, दैट इज ऑप्शन नंबर b। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफी इजी हैं। यहाँ पे है आपके पास अ ट्राइनोमियल हैज हाउ मेनी टर्म्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल के बारे में आपने सुना होगा, तो पॉलिनोमियल को दो बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट किया जाता है, उसमें दो बेसिस के ऊपर उसके पार्ट्स किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ बोलता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस के ऊपर, अगर मान लो पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, फॉर एग्जाम्पल 3x 2x या फिर 5 9, ऐसे इस टाइप के, उनको हम मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल होते हैं जिसमें आपके पास दो टर्म्स आती हैं, लाइक 3x + 4 5y + 9, ऐसे टाइप की। एंड ट्राइनोमियल वो होती हैं जिनमें तीन टर्म्स आती हैं, लाइक 5x² + 3y + 3, कुछ इस टाइप में, जिसमें तीन टर्म्स होगी। और सेकेंड टाइप होती है डिग्री के बेस के ऊपर, सो जिसमें आपकी एक डिग्री होती है वहां पे आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, सेकंड के लिए आपकी क्वाड्रेटिक होती है, थ्री होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। फिलहाल हमें नंबर टर्म्स पूछी थी तो हमारा आंसर होना था 3। ट्राइनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन बाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ। कंसिस्टेंट कब होगा? जब इस सॉल्यूशन, जो ये इक्वेशंस दिए हैं, इनका कोई सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कब होता है? आपको पता है ये वह जो फर्स्ट कंडीशन है, जब ये कंडीशन आती है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता होगा इसमें। और जो आपकी सेकंड कंडीशन है, उसके इसमें नो सॉल्यूशन होता है। जब आपके ए वन ओवर ए टू जो है बी वन ओवर बी टू के बराबर होते हैं, तो और सी वन सी टू के बराबर नहीं होते हैं, तो वहां पे आपका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि पैरेलल लाइंस आपकी बनती हैं। और ये तो ये वाला आपका रॉन्ग होगा, ये भी आपका नन है। तो ऑब्वियसली आपके पास ये ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में आपके पास होता कि ए वन ओवर ए टू इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, तो ये वाला भी आपका कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो इसके लिए सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो ए बी सी को आप एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 4 5 6 ले लो, ये एपी में ही है ना, एपी में वही होता है जिसकी फर्स्ट टाइम आपके पास दी होती है, और उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। तो इस केस में आप देख सकते हो उनका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे सभी जो है वो वी के थ्रू रिलेशन है। तो हम चेक करते हैं 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 10/2 विच इज इक्वल टू 5। यानी कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है। जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है, अगर हम इनको मान लें एक्स वन वाई वन और इसको मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, तो आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्स टू कितना है हमारे पास, माइनस वन, और एक्स वन है 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे आ गया माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 25 प्लस 9 अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 34। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इसके आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं उस पॉइंट के जो एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक साइड है -1, 7 और जो दूसरी साइड है वो है, दूसरा पॉइंट जो है वो है 4, -3। अब आपने ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। इसको हम फिलहाल के लिए पी एक्स वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, इसमें हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जहाँ पे आपको x और y के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो x और y के कोऑर्डिनेट निकलते हैं कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 x के लिए, x कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाला पॉइंट निकालने के लिए। और जो दूसरा होगा वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं m1 और m2 क्या है। m1 आपका है 2 और m2 है आपका 3। और यहाँ पे आपके पास ये है आपका x1 y1 और यहाँ पे ये वाली चीज है आपकी x2 y2। अब आपको सभी के बारे में पता चल गया, तो जस्ट आपने फॉर्मूले में पुट करना है और आपका जो पॉइंट है पी एक्स वाई वो निकल जाएगा। ठीक है, तो m1 फिलहाल हमारे पास है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आपने ऐसे याद करना है कि ये वाले से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है और इससे यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो m1 है 2 और x2 है आपका 4 प्लस, और m2 है आपका 3 और जो आपका x1 है वो है आपका -1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 2 + 3 That is 5. अब m1 into y2 आपके पास यहाँ पे 2 है, y2 आपका 3 है प्लस 3 आपका m2 है और जो दूसरा है वो 7 है y1 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, दूसरे में आ जाएगा 2 - 3 - 6 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 15/5 विच इज इक्वल टू 1 एंड
1.3, तो आपके जो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरली डिवाइड कर रहे हैं 2:3 में, वो होंगे आपके कोऑर्डिनेट 1.3। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके रूट निकालने हैं। अब आपके पास जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालो, या जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं उनको क्वेश्चन में पुट करके सेटिस्फाई कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट ही रूट देखें, यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, तो यहाँ पे आ गया 5² - 3 × 5 - 10 = 0, which is 25 - 15 - 10 = 0, यानी कि 5 तो सेटिस्फाई कर रहा है, -2 भी करेगा क्या? जब आप -2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 - 10, which is equal to, obviously ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अब आपको इसको दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वेशन सॉल्व करें, तो उसके लिए भी आपके पास तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस केस में अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करें, x² - 5x + 2x - 10 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉमन प्लस 2 × x - 5 = 0, देन एक फैक्टर आपका बन गया x - 5 और दूसरा बन गया x + 2। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास एक आ जाएगी 5 और दूसरी आ जाएगी -2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो ये भी सिंपल सी बात है, जब भी आपके दो रूट जो होते हैं इक्वल होते हैं तब ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। इसको आप चाहे, अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप कोई एग्जाम्पल लेते जिसमें दो रूट सेम आते हैं, लाइक आप एग्जाम्पल ले सकते थे x² - 2x + 1, ठीक है। इस केस में आपके रूट जो आते हैं 1 और 1 आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें b² - 4ac तो कितना आएगा, b² यानी कि ये वाली टर्म, दैट इज 4 - 4 × a आपके पास 1 है, b भी आपके पास 1 है, विच इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी जब आपके रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे। जो आपके पास क्वेश्चन आए थे वो एपी में से आए थे, जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना था फर्स्ट क्वेश्चन में 30th term of AP। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है an, जब आप निकालते हो तो a + n - 1 × d। तो इस केस में आपके पास a आपका 10 है, d आपके पास कॉमन डिफरेंस 7 - 10 - 3, सब में अगर आप चेक करो 4 - 7 करोगे तब भी आपके पास -3 आएगा, और आपको an निकालना है, यानी कि n जो है आपको 30th निकालना है। तो सिंपल है, a = a + 29d। a की वैल्यू आपके पास पता है 10 + 29 × -3, इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा -77। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -77। तो सिंपल है, आपने 30th टर्म निकालनी थी, सो ये आपके आंसर होगा -77 और ऑप्शन नंबर है सी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP। अब इसमें आपके पास SN के दो फॉर्मूले होते हैं, दैट इज ny2 × 2a + n - 1 × d, और दूसरा होता है ny2 × a + l। अब आपको डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हो, आप या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या फिर लास्ट टर्म निकाल लो तब ये फॉर्मूला लगा लो। a आपकी फर्स्ट टर्म होती है, l आपकी लास्ट टर्म होती है, ठीक है। तो हम सिंपली निकालेंगे SN, यानी कि 10 टर्म्स आपको निकालनी है, तो n जो है वो आपका 10 है इस केस में, तो 10/2, मैं डायरेक्ट 5 लिख रही हूँ, 2 × a, दैट इज a की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 2 × 2 = 4, प्लस n - 1, n आपके पास 10 है 9, और d आपके पास है 5, ठीक है। 5 × 4 + 45, विच इज इक्वल टू 5 × 49, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 245। होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे एंड काफी इजी आपका पेपर था अकॉर्डिंग टू मी। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जो मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।